जब विभीषण श्री राम को समुद्र से रास्ता मांगने की राय देते हैं, तब लक्ष्मण कहते हैं, महाराज विभीषण ठीक कह रहे हैं, हमें समुद्र से ही रास्ता लेना चाहिए, परंतु मैं मांगने का समर्थन नहीं करता। भैया, मांगने से कौन कुछ दे देता है, और फिर क्षत्रिय के लिए मांगना शोभा नहीं देता। अपना धनुष बाण उठाइए, पहले तो आपके धनुष के एक ही कंकाल से उसके कान खड़े हो जाएंगे, अन्यथा धनुष पर अग्नि बाण का संधान कीजिए, तो वह स्वयं हाथ जोड़ के आपके सामने आ जाएगा। तब श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, धनुष धारण करने का ये अर्थ तो नहीं कि जब जी चाहा बिना कुछ कहे सुने उठा लिया बाण, दे दी धमकी। मुझे महाराज विभीषण का मत उचित लगा, यदि दैव ने सहायता की तो समुद्र अवश्य हमें मार्ग प्रदान करेंगे। तब लक्ष्मण कहते हैं, दैव दैव भैया, दैव का भरोसा तो आलसी लोग करते हैं, जिनमें स्वयं कर्म करने का उत्साह और शक्ति नहीं, वही कायरों की भांति दैव दैव पुकारा करते हैं। तब श्री राम कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, दैव की सहायता पर भरोसा करना ना कायरता है ना आलस्य है। देखो, मनुष्य के पास शक्ति केवल कर्म करने की है, उस कर्म का फल ईश्वराधीन है। तब लक्ष्मण कहते हैं, मैं तो इतना ही कह रहा था भैया, हमारे प्रार्थना करने पर समुद्र रास्ता दे देगा, इसका क्या भरोसा है। दो दिन बाद हमें यह शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, तो इतना समय क्यों व्यर्थ में खोया जाए। तब श्री राम कहते हैं, इस युक्ति से बड़े अनाचार हो सकते हैं लक्ष्मण, दूसरे को अवसर दिए बिना ही उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना अहंकार जनित अत्याचार का सूचक है। सच्चे शक्तिशाली को अपनी विनम्रता कभी नहीं खोनी चाहिए। और पहले महाराज विभीषण से ये तो पूछ लें कि वे किस भरोसे पर समुद्र से प्रार्थना करने का परामर्श दिए हैं। तब विभीषण कहते हैं, प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, एक प्रकार से आपके पूर्वज हैं और कुल गुरु भी हैं। आप जिनके वंशज हैं, उन महाराज सगर ने ही इस विशाल महासागर को खुदवाया था, अतः उनके समुद्र पर बहुत उपकार है। उन्हीं की कृपा से सिंधु ने पृथ्वी पर इतना विस्तृत स्थान पाया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि समुद्र अवश्य आपकी सहायता करेंगे, आपकी सेना का उस पार जाने का उपचार बताएंगे। तब श्री राम कहते हैं, मित्र, हमें आपकी बात अत्यंत प्रिय लगी, मेरे लिए यही एक कुशा का आसन बिछा दो, मैं यहीं बैठकर समुद्र की आराधना करूंगा, जब तक वो प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेते। हे महासागर, मैं महाराज सागर का वंशज दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपकी शरण में आया हूं। मेरे पूर्वज सागर द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है। आज रघुकुल पर आई विपत्ति के लिए एक विशाल सेना लेकर लंका पर धावा बोलने के लिए आप मुझे अपने जल से मार देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अन्न और जल का परित्याग करके यहीं बैठकर आपकी आराधना करता हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो जलनिधि। और फिर श्री राम प्रार्थना में लीन हो जाते हैं।